पापा मामा कैसे हंसती हैं? आप खुद ही हंसे जा रही हैं अपनी बातों पे। गाल है ऐसा। बट इतने स्पोर्टिव हैं तो मैं उनको यही कह रही थी तुसी ना रुलाई जाओ। कपड़े एक दाग ना लग गया जी मैंने वो सूट पाया। पापा का तो दिल ही टूट गया। हस्बैंड का तंदूर। मम्मा की रोटी गोल गोल। किस किस को? नवा उंडा लेना है। हमजा ने फेस पे क्या लगाया हुआ है? लिप बाम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ही हम एक न्यू चैलेंज लेके आए हैं आपके लिए, जो कि थोड़ा सा हटके है। मैंने कहा पहले डाइटिंग इतनी मैं कर रही थी क्योंकि ईद आने वाली है, मैंने कहा ईद पे मैं डाइटिंग को साइड पे रखूंगी। अच्छा, और साथ में आज हम चैलेंज करेंगे कि जी हम दोनों में ना कौन गोल रोटी बना सकता है, हु कैन मेक गोल रोटी चैलेंज। ठीक है, पहले हम आटा गूंदेंगे एक एक रोटी का, एक एक पेड़े का। अच्छा, आटा बहुत अच्छा गूंद तंदूर है। अच्छा, मुझे पहले जब लास्ट टाइम हमने इफ्तार का दिया ना, तो इन्होंने पराठा बनाया, सहरी में बनाया था, तो लोग पूछे थे आप ही आपके हस्बैंड का तंदूर है, शायद आप इनके तंदूर तो नहीं चलाते। बाहर साहब के तंदूर होता है। अच्छा जी, हमने हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये आटा है, ये हम दोनों के अलग अलग बाउल है, ये जी नैपकिन्स है, ऑयल सॉफ्टनेस के लिए जाहिर है यूज करना ही करना है। तो अब हम चैलेंज शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं, आटा भी बहुत अच्छा गूंथते हैं, रोटी भी बहुत अच्छी बनाते हैं, अच्छी खासी बना लेते हैं, आटा बहुत अच्छा गूंथते हैं। अच्छा जी, जो जीतेगा वो क्या देगा हारने को? दुआएं। नहीं, दुआएं मेरे मामा मेरे पास ऐसी बढ़िया दुआएं करना। अच्छा, अगर मैं हार गई ना तो ये मुझे कल शॉपिंग पे लेके जाएंगे, और अगर ये खुद हार गए मुझसे इतने बड़े हैं यार, क्या अच्छी लगूंगी खुशी में आपको कोई चीज देते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर मैं हार गई तो ये मुझे शॉपिंग पे, अगर मैं हार गई तो, अगर फिर भी हार गई तो शॉपिंग। अच्छा, अगर मैं हार गई तो ये मुझे शॉपिंग करवाएंगे, क्योंकि जरा मैं बहुत सैड हो जाऊंगी मैं अपने चैनल। चलो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक एक बस हमें आटा लेना है। बस मेरा तो अंदाजा है कि एक ना उसके लिए बहुत है। बशीर, मेरे अल्लाह, आटा सॉफ्ट को नहीं जोड़ा ना, रब नहीं पड़ेगा सॉफ्ट सॉफ्ट। ओए मेरे अल्लाह, बशीर कपड़े एक दाग ना लग गया जी मैंने नवा सूट पाया ने। तो हम ना अम्मी हमें आटा देती थी, मुझे गर्मियों में ना तंदूर से रोटियां लगवा लो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तंदूर की जो रोटियां ना वो पसंद है। अभी भी पसंद है? अभी भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मामा जल्दी करें, आप बातें करिए, पापा को देखें। गूंज गया मामा, अगर पापा जीत गए ना तो आप पापा को शॉपिंग कराएंगे। जी नहीं, मैं नहीं करवा सकती, मैं ये गुनाह कर नहीं सकती। अच्छा, आप अगर आज ये इन्होंने आटा अगर मेरे से पहले गूंद लिया ना, तो आपने ये नहीं समझना कि ये रोज आटा गूंदते हैं जी, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ख्याल है इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड में गूंदा था, उसके बाद आज आए हैं ये किचन में। बशीर आपने थोड़ा गूंदा यार, बंदा एक बच्चे वास्ते भी गूंद देता है, चलो कल दिन ना मैंने गूंदना पहले। सीरियसली ले गए चैलेंज को? नहीं नहीं, मैं तो कोई सीरियस नहीं। अच्छा, इस डब्बे में मुश्किल है। मिस्टर टिपिकल, हमें शुरू से एक आदत होती है ना कि हमने परात में गूंदना है। वो और खुला होता है ना, ये छोटा है। मामा आपने इतना सारा आटा गूंदा एक रोटी के लिए? ये एक रोटी का आटा है? इससे ये पता चलता है, इससे पता चलता है कि मैं बहुत कम आटा गूंदती हूँ। मैं रोजाना गूंदती हूँ। और इसका ये भी हरगिज मतलब नहीं है कि ये रोज गूंदते हैं, इसका ये मतलब है कि मैं बहुत कम गूंदती हूँ, क्योंकि हेल्पर जो है वही खाना शाना बनाती है। और चले जी, बारह दो मिनट, हम दोनों में टाई हो गए। वो इसलिए कि वैसे दौड़ा डब्बा मेरे ना। मामा आपने सारे आटे की रोटी बनानी है? नहीं, नहीं। ये मतलब गोका बनाना है? वो तब्बा भी बहुत बड़ा है, आराम से बन जाएगी। नहीं, रोटी नहीं, रोटी पूरी बनानी है। हाँ, देखो पापा जो एक नॉर्मल पेड़ा है ना, नॉर्मल रोटी बनानी है, ये नहीं है क्या पूरा जितना गूंदा उसी को बना। हमने वो नहीं कहा, मामा ने आपको पहले कहा था एक रोटी का आटा गूंदना, आप खुद देखे मामा ने कितना आटा गूंदा। मेरा तो देख ले फिर कितना है, फिर मेरा तो बन जाएगी, फिर खाने भी तो है ना। अच्छा, ये दो तवे हैं, ये पहले वाला तवा है, ये वैसे मैं ईद के लिए नया लाई थी। ठीक है, अब अच्छा जी, किस किस को? हमजा, ये दो बेलन है। नहीं नहीं, आप ले लेना, फिरता नहीं ना होना, या फिरता कोई नहीं जी, तभी कह रहे हैं मैं भी। ठीक है, एक ही साइड फिरती है? नहीं, दोनों फिरती है। जी नहीं, ये तो एंड है, फिर मेरा भी फिर रहे हैं। हां तो फिर दोनों फिरती है।
अच्छा जी, ये है मेरा आटा जो मैंने गूंदा था, ये है खुशका और ये है मियाँ साहब का, ठीक है जी। अब आपने तवा कौन सा लेना? जेड़ा मर्जी दे देना। आप ये वाला तवा ले ले, मैं बोल रही हूं। जी जी जी, नमा तुसी ले लो, नमे तो रोटी चंगी होंगी पक वेंदी। तुसी नमा ले लो, ये पहले पता है आपको ना। चलो मैं तो रोटी शुरू कर दी। चलो जी, आज मैं पता नहीं कितने अच्छे के बाद रोटी बना रही हूं, मुझे ना लग रहा है मेरा बन जाए। अच्छा वाह मामा, जबरदस्त। गोल मामा की रोटी, गोल गोल पापा का पैसा, गोल गोल ये भी गोल। आए, 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 नमा नैपकिन, आए मेरा नमा नैपकिन। एमए नैपकिन चिट्टे जड़े ने नमे होंदे जे नहीं मारी देते, वो पीले मारने सन। ये भी गोल है यार, मामा पापा के बोल मैच लगता है टाई हो जाने बशीर यार। जी नहीं, हम फैसला करेंगे। हमारी कमिटमेंट हो रही है कि फूल दी किसी से। हां देख ले, मैं तो हाथ ही नहीं लगा रहा, मुझे वैसे ही फूल जाना। मैं उनके थोड़ी देर से फूल दी थी, तेरा तवा ही नहीं अभी तक गर्म हुआ। देख लो, देख ले, ये लो चिमटा, चिमटा चिमटा मेरे से बन गई रोटी। अंदर से कच्ची है, आप पापा को नहीं पहना? नहीं मैं वैसे तोड़ दूं। मैं तो कहती हूँ हमजा से पूछेंगे कौन सी रोटी अच्छी है। उधर तो पापा की साइड पे जाएं। नहीं, उसको बताएंगे ही नहीं किसने कौन सी बनाई है। हमजा आज हमारा जज है, ठीक है। चलो जी, बांट दीजिए रोटी। हां जी वाह, ये तो दोनों ही बहुत आला है। नॉट बैड एट ऑल। आटे का कलर देखो ना। जी जी, आप अच्छा ही गूंथ रहे हैं। नहीं नहीं, मजाक के अलावा जी, इसमें तेल थोड़ा ज्यादा था मैंने डाला, ठीक है जी। बेस्ट हो गया, ये तो बहुत ही आला आप लोगों ने रोटी बनाई है। अच्छा, किसी की रोटी जली क्यों नहीं है? हमजा हमने फेस पे क्या लगाया हुआ है? लिप बाम। अच्छा जी, हम रोटी बना रहे थे और हमजा साहब जो है वो अपने शशकों पे थे। अच्छा, इस रोटी चैलेंज के ना मुझे दो फायदे लगे। एक तो जो रात को रोटी खाने थी वो बन गई है, समझे, हंसते हंसते लाके रस्ते, और साथ में ना जो आटा भी गूंदा था सुबह के लिए आटा भी गूंद ली है। अच्छा हमजा, इन दोनों रोटी में से कौन सी अच्छी है रोटी? एक बताइए। अच्छा ये वो सही कहते हैं, पाकिस्तानी जो लड़के हैं उनकी चार बीवियां होती हैं, छह सात उनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार ना वो अपनी माँ से करते हैं। और अच्छा हमजा, पापा की रोटी नहीं अच्छी? अच्छी है। तो फिर आपने क्यों नहीं कहा? क्योंकि बिल्कुल नहीं पता था हमजा को, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कौन सी रोटी किसने बनाई है। और जी हमजा साहब ने अब कर दिया। चलो आप लोगों के तो खैर सामने बने। मैं तो सही बता रही हूँ, कटाया है, बहुत अच्छी है। पापा की बहुत बड़ी और अच्छी, आपकी बहुत छोटी और अच्छी है। अच्छा, लेकिन फिर भी पापा जो है ना वो मुझे शॉपिंग पे लेके जाएंगे। और आप क्यों लाएंगे? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी आपका इतना टाइम देने के लिए। एक तो रात की रोटियां बना देंगे जी, और बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप ही, आपका माशाल्लाह बहुत प्यारा कपल है, बहुत ज्यादा आपके हस्बैंड जो है वो सपोर्टिव है, बहुत आपका ख्याल रखते हैं, और सबसे बढ़ के आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करवाते हैं। और देखिए, हेल्प करवाना तो सुन्नत में भी है, हम इस बात का हुक्म है कि जो आप हस्बैंड है वो अपनी बीवी का ख्याल रखे, घर के कामों में उसका हाथ बटाए। और जी बहुत शुक्रिया जी, कोई जीता हारा कोई नहीं, बहरहाल जो शॉपिंग आपने करवानी ही करवानी है। अब बहरहाल मैं जीत गई हूँ क्योंकि हमजा ने, हमजा साहब जज थे। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बस एक रोटी का हमने आटा गूंदा, ये ना आप एक्साइटमेंट में पूरा डोंगे किसी गूंदे के, आपको पहले पूरा आटा गूंदना पड़ेगा जो भी हमने जब लास्ट टाइम उन्होंने वीडियो बनाई ना, तो लोग पूछ रहे थे आपके हस्बैंड का तंदूर है। अस्सलाम वालेकुम, इकट्ठे सलाम करना अभिषेक पापा मामा कैसे हंसती हैं? थे कि आप ही, आपके जो हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा आप लकी हैं कि आपके हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं। तो मैं उनको यही कह रही थी, तुसी ना रुलाई जाओ। आप खुद ही हंसे जा रही हैं अपनी बातों पे। तो गल है, चलो चलो, अस्सलाम वालेकुम पापा, आपने भी बोलना है। अच्छा। आपने भी साथ में बोलना है। कितने क्यूट है पापा, मोटे तो रख लो। मैं तो कहते पापा के मोटे पे रखने। नहीं मैंने तो रखा। दोबारा दोबारा चल, इतनी ऐसी करो पापा ने। तो
बशीर आई थंबनेल नीचे पढ़ना नहीं आई पढ़ना मैं आई रोटी पढ़ने चल भाई आपने ऐसे आप रोटी पकड़ते हैं रोटी ऐसे तो फिर वैसे ही हाथ करें ना जैसे आप अज्यूम आप इमेजिन कर आपने रोटी पकड़ी ऐसे बिहाइंड द सीन ये काम हो और क्या ये सुबह मैंने निकाला भी है ये नवा उंडा लेना अबे करा ना पुत्र पे की शी ना करो अच्छा हम भी हंस रहे हैं हमारी भी आवाज आ रही है अब मैं एंडिंग कर रही हूं हमारी भी आवाज आ रही है हंसने की।